सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ऊपर चल रहे मोदी सरनेम केस को लेकर बड़ी राहत दे दी है। राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा पर रोक लगा दी गई, जिसके बाद अब गांधी परिवार में खुशी की लहर है। तमाम नेता राहुल गांधी को बधाई दे रहे हैं। इसी बीच पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने ट्वीट किया और राहुल गांधी को मिले राहत को न्यायपालिका की जीत बताई है। खबरों के मुताबिक ममता बनर्जी का कहना है कि मैं राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने के फैसले से खुश हूं। यह हमारी मातृभूमि के लिए एकजुट होकर लड़ने और जीतने के इंडिया गठबंधन के संकल्प को और मजबूत करेगा। न्यायपालिका की जीत है। इंडिया गठबंधन के अन्य सहयोगियों ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। दूसरी ओर सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाकर भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका में लोगों की आस्था को बढ़ावा दिया है। बीजेपी की नकारात्मक राजनीति का अहंकारी ध्वज आज नैतिक अफसान के शोक में झुक जाना चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी राहुल गांधी को बधाई दी है। बधाई देते हुए उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राहुल गांधी पर लिए गए फैसले का स्वागत करता हूं। यह सच्चाई और न्याय की जीत है। अगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात करें तो उन्होंने कहा है कि अंधकार चाहे भारी ही क्यों ना हो और समंदर पार ही क्यों ना हो, सदा उजाला ही विजित हुआ है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का भी स्वागत किया। अब चलिए आपको एक बार पूरा मामला याद दिला देते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने बैंगलोर के कोलार में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान मोदी सरनेम को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद सियासी घमासान भी मच चुका था। इसके खिलाफ भाजपा विधायक पुरेश मोदी ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। सेशन कोर्ट में 4 साल तक केस चला और फैसला इस साल 23 मार्च को आ गया था। मानहानि केस में राहुल को अधिकतम 2 साल की सजा मिली, जिसके चलते उनकी सांसदी भी चली गई थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषय पर खबर उपलब्ध है। और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी।